का जो है लाइव रिव्यू करते हैं। और जैसे आप सभी जानते हैं कि सर्दियां तो अब ऑलमोस्ट निकल ही गई हैं, पर अगर आप इस सीज़न में कोई हीटर खरीदना चाहते हैं जो कि बिल्कुल एसी जैसा हो, तो फ्रेंड्स ये हमारे पास जो है एसी जैसे सिमिलर फंक्शन, मतलब आप इसको दीवार पर वॉल माउंट कर सकते हैं और इसका एयर फ्लो भी एसी की तरह ही आता है। तो मुझे जो है ये 6,000 रुपये के आसपास पड़ा है, और आजकल जो है शायद ये वाला मॉडल जो है अमेजोन पर नहीं मिलेगा। चलिए क्या इसके फीचर हैं और उसको लेने का क्या फ़ायदा है। तो फ्रेंड जो ये मेरे पास ब्रांड है वो है वार्मेक्स ब्रांड का, और ये सुप्रप PTC फैन हीटर है। अगर आपको ये मॉडल तो शायद यहाँ नहीं लिखा हुआ। फ्रेंड्स जैसे आप सभी जानते हैं कि जितने भी नॉर्मल जैसे हमारे पास हीट कन्वर्टर या हीट ब्लोअर होते हैं या हेलोजन वाले हीटर होते हैं, वो हवा से जो है ऑक्सीजन को थोड़ा सा बर्न करते रहते हैं, तो इस कारण से जो है हवा से मॉइस्चर भी जाती है और ऑक्सीजन भी कम होता है, तो वो थोड़ा सा सेफ नहीं समझा जाता है। तो इसमें क्या फ़ायदे हैं, तो फ्रेंड सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है, जैसे ये मेरे पास कई सारे ब्लोअर हैं, इसको मेरे को किसी टेबल पे रखना पड़ेगा और बार बार इसको निकालना हटाना पड़ेगा, जबकि ये वाला जो हीटर होता है ये बहुत ही लाइट इन वेट होता है, आप किसी भी दीवार पर कहीं पर भी परमानेंटली माउंट कर सकते हैं, और इसको माउंट करना बहुत ही आसान और सरल होता है। ये आपको बस एक दीवार में ड्रिल करके ये गिट्टी लगानी और ऊपर स्क्रू डाल के इसको टांग देना होता है। इसके साथ जो है आपको एक प्रकार का ये रिमोट मिलेगा जिसमें आप इसके मोड्स को चेंज कर पाएंगे, मतलब आप अगर वन एलिमेंट चलाना चाहते हैं तो 1000 वाट कंज्यूम करेगा, अगर आप टू हायर मोड पे चलाओगे तो फिर ये डबल बिजली कंज्यूम करेगा, 2000 वाट बिजली कंज्यूम करेगा। इसमें टाइमर का फंक्शन है, 8 घंटे तक टाइमर लगा सकते हैं। इसमें ऑसिलेशन का भी फंक्शन है, जैसे आप ये देख रहे हैं जैसे एसी में स्विंग करता है ये नीचे वाला टाइप जो है ये प्लेट जो है, वैसे इसमें ये स्विंग करेगा। इसमें जो है आप टेम्परेचर बढ़ा या घटा सकते हैं अप एंड डाउन, और इसमें टेम्परेचर डिस्प्ले का भी फंक्शन है, ये बता रहा है कि इसमें क्या क्या आपने ऑन कर रखा है। तो चलिए इसको अब हम चलाकर दिखाते हैं, ज़्यादा इसमें बताने लायक कुछ भी नहीं है कि बहुत ही दिखने में भी काफ़ी सुंदर है। प्राइस वाइज जो है इसकी जो कंपनी ने जो प्राइस रखा है, शायद मैं आपको ज़्यादा क्लियर तो ना दिखा पाऊँ, 8,200 रुपये के करीब जो है इसका प्राइस है। ये आपको उल्टा दिख रहा होगा, तो अगर मैं इसके फीचर्स अगर आपको थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश करूँ, आप ये देखिए स्लिक डिज़ाइन है, LED डिस्प्ले है और रिमोट कंट्रोल है, और इसकी जो फंक्शन है वो दूसरी तरफ है। तो चलिए आपको मैं चलाकर दिखाता हूँ, ये मैंने ऑलरेडी शायद ऑन कर रखा है, इसको जस्ट यहाँ से ऑन करना है। इसका जो ये रिमोट है मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा बेहतर होता तो ज़्यादा मतलब आसान रहता, तो अभी ये फैन मोड में चल रहा है, तो मैं इसका स्टार्टिंग में आपको एयर फ्लो चेक करा देता हूँ। तो एयर फ्लो इसका ठीक ठाक है, इतना अच्छा नहीं है, तो ये हमारे कागज़ को भी नहीं उठा पा रहा है, मतलब बहुत ही हल्की हवा आती है। और अगर आप इसका नॉइस लेवल चेक करोगे फैन मोड में 55 डिग्री के आसपास आ रहा है। अगर मैं आपको टेम्परेचर चेक करके दिखाऊं, आजकल जो है जैसे आप सभी जानते हैं कि सर्दी काफ़ी कम हो गई है, 16 डिग्री के आसपास है, और इसमें भी 18 डिग्री के आसपास आ रही है। और अगर आप डिजिटल मॉइस्चर मीटर या ह्यूमिडिटी मीटर से चेक करोगे, ये शायद हमें ऑन करना पड़ेगा, तो मॉइस्चर में आपको ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे। अब जो है मैं इसका वन मोड चेंज कर देता हूँ, ये बटन भी दिए हुए हैं, यहाँ से टाइमर, यहाँ से मोड आप चेंज कर सकते हैं, और ये ऑन ऑफ का बटन है, तो मैं इसका मोड वन कर देता हूँ। ये देखिए ये एक लाइट चल गई है, अब जो है इसके एलिमेंट्स चलने शुरू हो गए हैं। तो अगर मैं आपको जो है सबसे पहले टेम्परेचर दिखाऊं कि टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है इसका, तो ये देखिए 15 डिग्री है आसपास, और अगर मैं इसके एलिमेंट्स में चेक करके दिखाऊं तो ये देखिए टेम्परेचर जो है इसका बड़ी जल्दी बढ़ने लगता है, तो विद इन सेकेंड जो है ये गर्म हवा देने लगता है, 52 डिग्री दिखा रहा है। तो इसका जो हमारा जो ये लाइट जो है जैसे आप देख रहे हैं लाल लाल, अगर ये एलिमेंट्स पर पड़ती है तो और ज़्यादा टेम्परेचर आपको दिखाएगा, तो अभी सही ढंग से पढ़ नहीं रही, 31 दिखा रहा है, 32 दिखा रहा है,
अब जो है मैं आपको चेक कराता हूँ कि भैया हमारी जो हवा में मॉइस्चर है इसमें ऑक्सीजन बर्निंग तो बहुत कम है, ना के बराबर है, पर मॉइस्चर जो है इसकी कम होती है, ये आप इसमें चेंज नहीं कर सकते। तो मेरी एडवाइस है कि जहाँ पर आप हीटर रखते हैं या तो कमरे में थोड़ा सा पानी रख दीजिए, मतलब जो भी जुगाड़ आप करना चाहें, नहीं तो पानी की प्यास आपको लगती ही लगती है। तो अब ये देखिए हमारे कमरे की जो हवा है उसका मॉइस्चर लगातार गिरता जा रहा है, कम होता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब जो है मैं थोड़ा सा इसका मोड और चेंज कर देता हूँ, ये दबा देता हूँ। अब जो है आप ये देखिए 2 स्टार ऑन हो गए, यानी कि इसके सारे एलिमेंट जो है चल गए हैं। और इवन आप जो है चाहो तो चेक भी कर सकते हैं कि आजकल जो है काफ़ी एडवांस, जैसे मैंने ये विप्रो का स्मार्ट प्लग लगा रखा है जो कि बताता है कि भैया पावर कंजम्पशन कितना है। ये देखिए 1000 वाट से जो है चेंज हो गई है, 2000 वाट के करीब ये चला गया है। अब जो है मैं चेक करता हूँ कि भैया टेम्परेचर अगर रूम का देखूँ तो 18 डिग्री है, रूम का टेम्परेचर भी बढ़ गया। और आप ये देखिए इसके एलिमेंट्स का टेम्परेचर आप चेक कर सकते हैं, और सेकंड मोड में जो है हीटिंग काफ़ी अच्छी आ रही है और मेरे को भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप ये देखिए 90 डिग्री तक जो दिखा रहा है कई जगह, तो अनइवन टेम्परेचर है, 83 है, तो टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है 90 डिग्री। तो जितने भी सिरेमिक हीटर होते हैं उसका मैंने देखा है कि जो टेम्परेचर है एलिमेंट्स का वो इतना ज़्यादा नहीं जाता, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स जो हैं वो थोड़े से कवर्ड होते हैं, जबकि जो नॉर्मल फैन हीटर होते हैं जैसे ये हमारा बिना पीटीसी वाला, तो इसका टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा चला जाता है। तो लोगों को बिना जो हमारे पीटीसी होते हैं, मतलब हीटर होते हैं, वो थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा देते हैं, तो लोगों को वो ज़्यादा अच्छा लगता है, पर वो हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छे नहीं होते। आप ये देखिए टेम्परेचर, ये टेम्परेचर है, ऊपर मॉइस्चर है, इस पर आप ध्यान दीजिए। तो टेम्परेचर जो है तेज़ी से बढ़ रहा है, मॉइस्चर तेज़ी से डाउन हो रहा है। तो हवा से मॉइस्चर कम होने के कारण जो है आपको प्यास ज़्यादा लगने लगती है। तो कई लोग क्या करते हैं आजकल, फैन मॉइस्चर मॉइस्चर बढ़ाने वाले हीट फैन भी आते हैं, या आजकल ऐसा हीटर भी आ रहा है वार्मेक्स ब्रांड की तरफ से, जिसमें एक तरफ से तो मतलब गर्म हवा आएगी और नीचे मॉइस्चर के लिए भी कोई जुगाड़ है। मतलब वार्मेक्स ने जो है अजीबो गरीब हीटर निकाल रखे हैं, और वॉल माउंटिंग का जो हीटर है वो सिर्फ इस वक्त वार्मेक्स ब्रांड में ही मिल रहा है, मतलब दूसरे किसी और ब्रांड में आपको ढूंढने से भी वॉल माउंटिंग हीटर नहीं मिलेगा। तो अब ये देखिए टेम्परेचर 40 डिग्री हो गया है और मॉइस्चर जो है लगातार गिरती जा रही है। तो आप चाहो तो जैसे ये रिमोट है मेरे पास, टेम्परेचर आप ये देखिए बढ़ा सकते हैं। तो जितना टेम्परेचर आप बढ़ाते जाओगे उतना ही ये हीटर ज़्यादा चलेगा, यानी कि आपका बिजली का बिल बढ़ता ही जाएगा। अगर आप इस पे टेम्परेचर 20 रखोगे, 22 रखोगे, तो होगा क्या, जैसे ही टेम्परेचर 22 डिग्री तक इसके थर्मोस्टेट में पहुंच जाएगा तो ये अपने आप बंद हो जाएगा, और जैसे टेम्परेचर घटेगा, डाउन होगा, तो फिर ये ऑटोमेटिकली हीटर ऑन हो जाएगा। तो इसमें आप 40 डिग्री तक टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, मैं मैक्सिमम दिखाई देता हूँ आपके सामने। तो ये देखिए 40 डिग्री तक आप रख सकते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर। तो आप 40 डिग्री तो शायद नहीं रखना चाहिए, शायद 36 ही है, 37, 38 और 42 भी जा रहा है, तो देखते हैं कितना दिखा रहा है, 49 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, तो इसको वापस डाउन आना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है आप अपना टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, और अगर आप चाहो तो इसमें टाइमर भी सेट कर सकते हैं। जैसे ये टाइमर का ये बटन है, तो ये देखिए अब 0 0, अब 1 घंटे में ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, 2 घंटा, 3 घंटा, तो इसमें आप 8 घंटे तक का टाइमर सेट कर सकते हैं। ये वाला जो बटन है इससे जो है ये चीज़ जो है स्विंग होने लगेगी, ये ऑसिलेशन बटन है, तो यहाँ पर इसके जो है वो कह सकते हैं सेंसर है इसके रिमोट को पढ़ने वाले, अब जो है ये एसी की तरह स्विंग करेगा।
तो मैं जो है इसका मोड चेंज कर देता हूँ। जैसे आप ये देख रहे हैं 2 स्टार चल रहे हैं, तो मैं इसको 1 स्टार कर देता हूँ। तो ये शायद हुआ नहीं चेंज, अब जो है ये 1, यानी कि ये हिटिंग मोड 1 में आ गया, मीडियम मोड में आ गया। तो इस तरह से ये स्विंग करेगा। और ये एक और फंक्शन है जिससे थोड़ी सी हवा जो है गर्म हो जाती है, बाकी इसमें ज़्यादा और फंक्शन नहीं है, आप आसानी से इसको यूज़ कर पाएंगे। बस फ़ायदा यही है कि ये आपको बार बार नीचे नहीं रखना पड़ेगा, मतलब बार बार हटाया फिर लगाया, और आसानी से आप चाहो तो जैसे आप जहाँ सो रहे हैं वहाँ पर ऊपर रख सकते हैं, परमानेंटली भी रख सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि भैया एक बार लगाया फिर हटा के, आप हटा भी सकते हैं। जस्ट दीवार में आपको 2 हल्के से ड्रिल करने हैं, 2 गठिया लगानी हैं, और ये आपका ये स्क्रू में हैंग हो जाएगा। और ज़्यादा भारी भी नहीं है, सिर्फ 4 या 5 kg का है, आप बड़ी इसको आसानी से उठा सकते हैं। तो चलिए मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। और सिरामिक हीटर जो होते हैं उसमें जो है जैसे आप सभी जानते हैं कि किसी प्रकार की ऑक्सीजन नहीं बर्न होती, बहुत ही कम बर्न होती है, और इस कारण से जो है वो हेल्थ के लिए सेफ रहते हैं। ऑयल हीटर होते हैं उसमें थोड़ा सा ये होता है कि वो ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, मतलब उसमें मॉइस्चर भी इतनी कम नहीं होती, पर ऑयल हीटर का जो नेगेटिव पॉइंट होता है कि वो बल्की होते हैं, भारी होते हैं, और दूसरा जो होता है उनका हीटिंग जो है इतनी ज़्यादा नहीं होती जितना PTC हीटर की होती है। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो वहाँ पर ऑयल हीटर ज़्यादा कामयाब नहीं होते हैं, तो वहाँ हल्की हल्की गर्मी करता है, तो इस कारण से जो है PTC हीटर थोड़े से बेहतर होते हैं। ये देखिए ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया, और इसके जो ये है जो ब्लेड्स हैं वो आसानी से बंद हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं वीडियो के नीचे जो है सभी प्रकार के हीटर का लिंक डाल दूँगा। ये सिर्फ 400 वाट का हीटर है जो कि किसी भी दीवार में लग जाएगा, जैसे यहाँ लगाना चाहूँ तो शायद ये जगह नहीं है अभी, तो यहाँ पर लग जाएगा, और इसकी भी हीटिंग काफ़ी अच्छी है, पर ये ज़्यादा मतलब ट्रैवल हीटर है, मतलब कहीं भी जाओ ले जाओ और वहाँ पर चलाओ तो